अभिप्रोद द्यो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, अमे सौ आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करिए छे के अम सर्वे महात्माओने मोक्ष मार्ग ने लायक અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાવ. હે શ્રી અંબે માં, હે શ્રી ભદ્રકાળી માં, અમે સૌ આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય તેવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આને પેલું ખોલ નાખો. ઓકે સ્વામીજી. હા, હમારે સબકે લિયે બહોત એક આનંદ કા સમાચાર હૈ, ન્યૂઝ હૈ હમારે સબકે લિયે કે જો રાજસ્થાન મેં 6 તારીખ સે हमारा जो प्रोग्राम रखा गया था, बनाया गया था, वो अनिवार्य संजोगों में कैंसल हुआ है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस. और हमारा सत्संग का जो संजोग है वो वही का वही रहेगा. तो यह आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि डिस्टर्बेंस नहीं आएगा. सत्संग का पूरा प्रोग्राम अप टू एंड ऑफ द दिसंबर वही का वही रहेगा. और दूसरी बात यह है कि हम सब धीरे धीरे अपने जीवन में प्रैक्टिकल ये विज्ञान को जैसे जैसे दृष्टि से उपयोग करते रहोगे वैसे वैसे आपको ये विज्ञान का धीरे धीरे आप सबको अनुभव भी हो रहा है. और हो सकता है कभी कभी अनुभव क्या हो रहा है वो शायद समझ में नहीं आता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तक अनुभव बाह्य चीजों का ही अनुभव किया है और बाह्य चीजों का अनुभव को ही हमने अनुभव माना है. हमने कभी ये सोचा नहीं है कि मन वचन काया और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी दिखता है समझ में आता है उनका जो अनुभव है यह सब अनुभव विनाशी है. मगर हम मन वचन काया से भी मुक्त रह सकते हैं, अपने मन से भी मुक्त रह सकते हैं, वचन से भी मुक्त रह सकते हैं और शरीर यानी क्रिया से भी मुक्त रह सकते हैं. और इसका जो अनुभव है वो अनुभव बिल्कुल देहाध्यास से मुक्त रहने का है. याने इसके अंदर शरीर के संबंधी कोई भी प्रकार के विचार का अस्तित्व अलग रहने से होता नहीं है.
और आध्यात्मिक भाषा में देहाद्यास तोड़ना या तो देहाद्यास को ही खत्म करना, उसी को आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ऊंची दशा, ऊंचा अनुभव, हाई लेवल का अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव इनको कहते हैं। तो ये मन वचन काया से मुक्त रहना ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे महान पुरुषों में से एक जो ज्ञानी पुरुष के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हुए, श्रीमद् राजचंद्र जी, उन्होंने भी यही कहा था, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्म। एज धर्म थी मोक्ष छे, तू छो मोक्ष स्वरूप, बाकी कहिए केटलू कर विचार तो भा। कहने का मतलब यह है कि देह से मुक्त रहना यानी मन वचन काया से मुक्त रहना, इसको आध्यात्मिक मार्ग में बहुत बड़ी सिद्धि कहते हैं। और वो सिद्धि हमने ये विज्ञान के माध्यम से हम सब ने पाई है, और हम सब ये सिद्धि का विज्ञान तो पाया है, धीरे धीरे इसका उपयोग करके अनुभव भी कर रहे हैं। और जितना जितना मन वचन काया से मुक्त रहने का अनुभव बढ़ेगा, इतना इतना आत्मा के अंदर हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तक प्रकृति में कॉन्फिडेंस था, फिर आत्मा में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके अलावा जैसे जैसे ये देहाध्यास खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर, आपकी दृष्टि में से भीख और भय भी धीरे धीरे खत्म होंगे। और जैसे जैसे भीख और भय खत्म हो गए, वैसे वैसे आत्मा की खुमारी भी आपको प्रकट होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये देहाध्यास मिटने से कर्ता भाव, मालिक की भाव खत्म होता है, भीख और भय खत्म होता है, और आत्मा के लिए जो खुमारी होती है वो प्रकट होती है। तो इस प्रकार का ये विज्ञान हम सबने अपने जीवन में पाया है और अनुभव कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सब यही मार्ग में और आगे बढ़े और अनुभव करें, और वही अनुभव करते 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 हमारे जीवन में सबको ये अनुभव बांटते भी रहे, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। हेलो गीता बेन, तमारू अनम्यूट करजो, ने बीजा कोई ने हाथ ऊंचा करवाना हो तो करजो प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैंने आपका है ना एक वीडियो, मतलब किसी मेरी मिलने वाली सहेली को भेजा, तो वो मुझे आज मिली तो बोल रही थी कि वो सुनती है समझती है, लेकिन वो ब्रह्म कुमारी को सुनती है। तो मैंने कहा आप इनको सुनो समझो, कुछ मुझसे बात करती है तो मैं बताती हूँ। तो कहती है कि वो ऐसे बोल रही थी कि वीडियो मेरी सहेली को भेजा है ना, तो वो उन्होंने वो ब्रह्म कुमारी को सुनती है। तो मैंने कहा आप इनको सुनो और समझो, और मैं उनको बात भी करती रहती थी, कभी वो पूछती है तो मैं बताती भी हूँ। तो वो ऐसे बोल रही थी कि इसमें तो जैनियों का मतलब वो ज्यादा आता है शब्द भी और मंत्र भी। तो मैंने मेरे लेवल से तो उनको बताया ही, पर मुझे कैसे बताना चाहिए था? उनको कहो, उनको सिर्फ इतना ही कहो, आप मंत्र को छोड़ दो, आप विज्ञान को पकड़ो। आप समझे मैं क्या कहता हूँ? हाँ, हाँ। मंत्र को छोड़ दो, शब्द को पकड़ो, विज्ञान को समझो बस। और चाहे जैनियों के शब्द है या और कोई भी शब्द है, मगर आपको तो इसी शब्दों से विज्ञान ही तो समझना है,
शब्दों को तो ग्रहण करना है या न ग्रहण करना है वो तो बात ही नहीं है। हमको तो शब्दों से अपना मर्म को समझना है, अपने अर्थ को समझना है, बराबर है कि नहीं? हाँ सही बात है स्वामी जी। कोई भी व्यक्ति हमको समझाएंगी तो वो शब्द समझाएंगी, मगर जो हम समझते हैं वो शब्द को नहीं समझते हैं, शब्द के अर्थ को समझते हैं। शब्द तो कोई भी चीज को प्रेजेंट करने का माध्यम है। अगर मैं आपको शब्द के माध्यम से नहीं बताऊंगा तो आप कैसे समझोगे? और इसीलिए उनको कहना कि आप उनके मंत्र मंत्र को छोड़ दो, उनका जो रियल सत्संग है वो सत्संग सुनो 1-2-3, और सत्संग सुन के मेरे को बताओ कि इसमें आपको कंफ्यूजन कहाँ है। और इनको इनको अपने YouTube में से न्यू व्यूअर्स का सत्संग है, वो भी हिंदी में है। आप इसमें न्यू व्यूअर्स सत्संग अध्यात्म विज्ञान न्यू व्यूअर्स हिंदी लिखोगे तो न्यू व्यूअर्स का हिंदी का सत्संग निकलेगा। ठीक है। तो वो जो बेसिक सत्संग है इनको अगर आप सेंड करोगे तो उनको समझना आसान होगा। और उनको कहो कि आगे की जो बात है नमस्कार विधि या मंत्र इनको भूल जाओ, वो जो अध्यात्म विज्ञान की बात करते इनको समझने की कोशिश करो और फिर आपकी राय बताओ, बराबर है कि नहीं? ठीक है स्वामी जी। हाँ ठीक बात है। और दूसरी बात उनको ये भी कह देना कि आपको ये विज्ञान अगर समझ में आता है और आपको विज्ञान और जानने की जिज्ञासा है तो ये विज्ञान के अंदर आप जो धर्म को गुरु को परंपरा को संस्था को जो फॉलो करते हैं इससे विज्ञान से कोई कंसर्न नहीं है, तो आपको जो कर रहे हैं वो तो वही काम वही कर रहा है। और इसीलिए उसको छोड़ के यहां आना है, वो तो सब्जेक्ट है नहीं। और यहाँ कोई क्रिया कांड है नहीं, तो आपको कुछ करना है ना करना है वो तो सब्जेक्ट नहीं है। किसी को मानना है ना मानना है वो भी सब्जेक्ट नहीं है। कोई मंदिर में जाना है नहीं जाना है वो भी सब्जेक्ट नहीं है। कोई संस्था में जुड़ना है संस्था में से बाहर निकलना है वो भी सब्जेक्ट नहीं है। हमको और कोई नए भगवान की स्थापना करना है वो भी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो कुदरती कानून के ऊपर जो विज्ञान है वो विज्ञान समझना है और वो दृष्टि की बात है, वो मन वचन काया की बात नहीं है, क्योंकि क्रिया होती है तभी मन वचन काया आता है ना बीच में। यहाँ क्रिया की तो बात नहीं है। और आप जो धर्म को फॉलो करते वो तो मन वचन काया की बात है, क्योंकि क्रिया करना है वहां, तो वहां तो फॉर्मेट की बात है। तो यहाँ जो आप फॉर्मेट को फॉलो करते हैं वो आपका फॉर्मेट वही का वही रहेगा, सिर्फ ये विज्ञान जो है वो समझ जाओ और आपकी दृष्टि में सेट करो, बस दैट्स इट। बाकी आपका बाह्य जीवन में कोई परिवर्तन करना ये अध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? समझ गई स्वामी जी, अच्छी तरह समझ गई। जब इसको सिंपल भाषा में बोलना है कि आपका जो मन वचन काया है वो जो कुछ भी करता है उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट नहीं रहा ना फिर, कि मेरे को ये करना है नहीं करना है, मैं तो ये करती हूँ। आप जो करते हो वो करते रहना है, उसको तो बंद करने की बात नहीं करते। यहाँ तो विज्ञान की बात है और विज्ञान की बात आपको दृष्टि में रखना है और दृष्टि समझना है, दृष्टि से उपयोग करना है, दृष्टि से अनुभव करना है। इसमें मन वचन का आया तो बीच में आता नहीं है,
वो तो जो क्रिया करते हैं वो करते ही रहेंगे। तो यही बताया ना, उनको कहो शांति से आप दो तीन सत्संग सुनो, और नए व्यूअर्स के लिए जो सत्संग है वो उनको भेजो, और साफ बात बोल दो कि आपके मन वचन काया की कोई क्रिया को बदलने की बात यहाँ स्वामी जी करते नहीं है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। और इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, आप मैं जो करती हूँ वो छोड़ देना है, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। ठीक है स्वामी जी, सही बात है। स्वामी जी आपको एक महात्मा ने अभी सुना और आपको समझा, तो आपका उनको स्वप्न में दर्शन हुआ? हो सकता है, हो सकता है। तो स्वामी जी वो चित्त की एकाग्रता का फल था या कुछ और था, क्या क्या कहेंगे उसे? हाँ, वो उनको सुनते सुनते इतना भाव आ गया है, और वो ही भाव के अंदर अगर वो सो जाते हैं तो सपने में उनको देखता है। स्वामी जी मुझे कल कोई विचार आया और इतना परेशान किया, तो मैं उस विचार में से, मुझे मालूम तो था कि ये कुदरती रचना है, पर वो मैं कैसे उसमें से अपने को निकाल पाऊं? इसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? विचार मन में आया है और मैं मन से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और विचार जो आते हैं वो कुदरती रचना है। अब बोलिए। वो तो ठीक है, वो मैंने किया, लेकिन वो विचार है ना, मेरे जो आत्मा की खुमारी है ना, उसको क्रैक करता है वो विचार, बार बार आकर मुझे परेशान करता है, तो मेरी आत्मा की खुमारी टूटती है ना। आत्मा की खुमारी जो है वो तो क्रैक नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है, और उसके अलावा कोई भी विचार आएंगे वो विनाशी है, टेम्पररी है, रिलेटिव सत्य है। तो इसीलिए उनसे तो पावरफुल हो ही नहीं सकता, मगर हाँ स्वामी जी, हम इसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाए, हम इसमें एकाग्र हो जाए तो हमको परेशानी हो सकती है। स्वामी जी, मैं अपने को कैसे निकालूं उस विचार से, क्या करूं मैं जो उस विचार से निकल जाऊं? विचार परेशान तो करता है गीता को, तो अपने को विचार से तो निकलना ही नहीं है, विचार आए ही आए हैं, वो जाने के लिए ही आए हैं, हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलाया नहीं है। अच्छा। जो विचार अपने आप आया है वो विचार अपने आप ही चला जाएगा, हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, हमको आते जाते उनको देखना है कि विचार आया और चला गया, खत्म हो गई बात। हमको विचार में इन्वॉल्व होना नहीं है, ये मन का काम है। समझ में आया? हाँ आ गया स्वामी जी, समझ में आ गया। स्वामी जी, जो अंतस्करण के परमाणु है वो कैसे क्रिया करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? अंतस्करण का परमाणु नहीं होता है, अंतस्करण में तो मन बुद्धि चित अहंकार होता है। हाँ। और मन बुद्धि चित अहंकार सबका अपना अपना रोल होता है। मन के हाँ। अंदर विचार करना, बुद्धि के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस देखना, चित के अंदर पिक्चर दिखाना, जो तो आपका सब्जेक्ट है विचार का उनके मुताबिक पिक्चर दिखाना, और अहंकार का काम है सिग्नेचर करना कि ये कम को करना है हाँ। या नहीं करना है, डिसीजन लेने का काम अहंकार हाँ। स्वामी जी, अंतस्करण अंतस्करण का भाग क्या, अंतस्करण फिर कहाँ क्रिया करेगा या कहाँ रहेगा, क्या है उसका रोल? मैंने कहा ना कि चार रोल है अंतस्करण का,
मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चार प्रकार की प्रक्रिया से कर्म बंध होता है और इसीलिए मैंने टाइटल दिया है अंतस्करण ए कर्मों के चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जिसके आधार से स्पीच और एक्शन का बीज बनता है और नेक्स्ट मंथ में ये चार्ज अंतस्करण अंदर डिस्चार्ज के रूप में आता है और स्पीच और एक्शन बाहर होता है। हाँ फिर स्वामी जी जो भाव मन है और एक तो आपने द्रव्य मन बताया और एक आपने भाव मन बताया तो फिर पुरुषार्थ वाला भाग कहाँ रहा? पुरुषार्थ वाला मन भाव मन और डिस्चार्ज मन है वो द्रव्य मन। तो स्वामी जी जो मतलब भाव मन है वो तो आपने बताया कि जब हम बुरा कुछ हो जाते तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा अच्छा वाला, तो वो अच्छे वाले का भाव मन हो गया तो वो भव का बंधन कारण हो गया ना वो वाला भाव मन। तो फिर मोक्ष हाँ, में ले लाने वाला मन कौन सा रहेगा? इसीलिए मैंने कहा ने कि वो ही मन जो पुरुषार्थ करता है वो संसार में भी ले जा सकता है और संसार से मुक्ति भी दिलवा सकता है, वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। हाँ जैसा ज्ञान दर्शन होगा वैसा मन काम करेगा। हाँ स्वामी जी ये पुरुषार्थ की बात करता हूँ, परिणाम की बात नहीं करता हूँ। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आगे स्वामी जी आ गया। ओके ओके जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जी, दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद। अबे हमारा दर्शन संबंधी प्रश्न से बोलो। दर्शन दर्शन मा ज्ञानो ने ने बेनो जुदापणु से એટલે જ મૂળ ઉપાધિ છે એવું મને સમજાય છે। શું કીધું ફેરથી બોલો તો રમેશભાઈ? જો બને તો તમને હિન્દી વાત નહીં ફાવે મને। ઓકે વાંધો નહીં તો સ્વામી જી જવાબ આપશે પ્રશ્ન લે મને દર્શન માં એવું આપણે હા સાયન્ટિસ્ટ ને તમે એક પહેલા જવાબ આપો તો જ્યારે ટાઈમ અને સ્પેસ એક બંને એક થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય એટલે એ સંબંધી જ મારો પ્રશ્ન છે કે આ દર્શન ની અંદર માં ટૂંકમાં જ્ઞાન નું નિબે એક પણ થઈ જાય તો જ આગળ આગાડું હાલે એવું થાય ને? જ્ઞાન ને દર્શન એ બે જુદી વસ્તુ છે। જ્ઞાન એ તમે પોતે છો અને દર્શન છે એ આ જગતને તમે કઈ રીતે જુઓ છો એને દર્શન કહેવાય। પછી એ સવળું દર્શન હોય કે અવળું દર્શન હોય પણ દર્શન કહેવાય। પાંચ ઇન્દ્રિયોથી જગતને સમજવાની જે દ્રષ્ટિ છે એને દર્શન કહેવાય। એ દર્શન અજ્ઞાન હોય તો સંસાર લક્ષી હોય, એ જ દર્શન જ્ઞાન હોય વિજ્ઞાન હોય તો આત્મા લક્ષી હોય। બરાબર એટલે મને એવું હા એવું સમજાતું હતું કે આ દર્શન માં ટૂંકમાં જ્ઞાન ની બંને ની જુદાઈ છે એટલે આ એવું કન્ફ્યુઝન થતું એટલે પૂછ્યું। નહીં આપકી બાત બરાબર હે મગર મેને કહા ને કે દર્શન જો હૈ વોહી હમારા કહીં અવતારો સે ગલત હૈ, વ્યવહાર રાશિ મે આયે તબ સે હી ગલત હૈ। ગલત કા મતલબ હોતા હૈ સંસાર લક્ષી। તો અભી આપકો યે વિજ્ઞાન કે માધ્યમ સે સમજ મે આ ગયા કે દર્શન ક્યું એસા હૈ, ક્યુંકિ હમને પાંચ ઇન્દ્રિયો સે જો અનુભવ મે આયા ઉસી કો હી હમને સહી માના। ક્યા માના? સહી સહી માના બરાબર। और इसीलिए राग द्वेष हुए। अभी हमको मालूम होता है विज्ञान के माध्यम से कुदरती कानून के माध्यम से कि मन वचन काया से जो कुछ भी अनुभव में आता है
पांच इंद्रियों से, पांच ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव में आता है, ये तो कुदरती रचना है, इसका करने वाला कोई है नहीं और इसका कोई मालिक नहीं है, तो फिर राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? बराबर बराबर बराबर। मगर पहले ये विज्ञान नहीं था ने, पहले नहीं था तो राग द्वेष होता था, होता था बराबर ना। हवे ई तो ई तो हवे हवे तो ई तरफ જ જાય છે ગાડું, હવે તો ઉદય કર્મ જ્યાં થઈ એ સહી રસ્તે એ એવું જ આ બરાબર સહી જય છે જય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી કોટી કોટી વંદન હા જય સચ્ચિદાનંદ હા ઓ એક દો તીન પંક્તિ અમે પડતા હું હા બોલીએ परलोक का संबंध आपके जीवन के समाप्त होने से नहीं है, परलोक का संबंध आपके दृश्य से अदृश्य में प्रवेश से है, वह आपका अभी भी कर सकते हैं और वह आप मृत्यु के बाद भी चाहे तो नहीं कर सकते, चाहे तो जीते जी परलोक में प्रवेश कर सकते हैं। वो वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहना चाहते हैं? परलोक और स्वलोक का मतलब क्या है? आध्यात्मिक भाषा में प्रकृति के साथ जुड़ना, एकाग्रता करना, वो परलोक है। वो आत्मा में रहना वो स्वलोक है। स्वलोक आप समझे? हाँ। तो अज्ञानता के माध्यम से, अज्ञानता के माध्यम से आप परलोक में ही रहते हैं। हाँ, ये जब विज्ञान समझ में आया तो आप स्वलोक में रहने का प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो परलोक तो है ही, है ही बराबर। जब, जब शरीर ही पर है, संजोग भी पर है, ये संबंध भी पर है और सब विनाशी है, सिर्फ हम मानते हैं मेरा 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 तो है ही नहीं कुछ, बराबर है, यही तो परलोक है। और खुद का जो रियलाइजेशन है वो स्वलोक है, आत्मा का अनुभव है वो स्वलोक, स्वलोक है। हाँ, उसमें तो कोई संसार है ही नहीं, बराबर है। वो भ्रांति का संसार जो दिखता है वो भ्रांति का है। अब वो इसलिए वो जो संसार भ्रांति का दिखता है इसको हमने कुदरती रचना बोल दिया, तो फिर मेरा है, मैंने किया है, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा बराबर है स्वामी। और नहीं रहेगा तो फिर परलोक में जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। हाँ बराबर है स्वामी, क्योंकि हमने जब मान लिया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र जन्म से मौत तक कुदरती रचना है तो फिर उसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? नहीं है जरूरत। और जाओगे तो राग द्वेष होंगे, नहीं जाओगे तो नहीं होंगे। बराबर है स्वामी जी, सिंपल रास्ता, सिंपल रास्ता है ना। हाँ बराबर है। ओके, और कोई प्रश्न है? नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है स्वामी जी, लेकिन जो आपने जो क्रांतिकारी कदम उठाया है उसके बारे में लिखा है एक ज्ञानी पुरुष ने, वो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, अभी कोई है नहीं ना लाइन में इसलिए। धर्म तो तुम्हारे कोई पढ़िए, धर्म तो तुम्हारे होने से वास्ता रखता है, धर्म तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव है। धार्मिक व्यक्ति कभी पारंपरिक नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति तो एक महाक्रांति है, वह तो बार बार सनातन और शाश्वत का उद्घोष है। जब भी सनातन और शाश्वत का कोई उद्घोष करता है तो परंपरा से बंधे हुए लकीर के फकीर बहुत गबड़ा जाते। हाँ स्वामी जी, बस यही है जो आप बार बार बता रहे हैं वही है। हाँ स्वामी जी, ओके हो गया।
ओके 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 अमरीश भाई जय सच्चिदानंद। कमलेश भाई बोलो। ओके आरोज है। ओके सर जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है तो इसके लिए आप स्वामी जी एक अच्छा डिटेल में फोर्ड पाड़ दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबका यही क्वेश्चन बार बार आता है सब जगह पे कि मैं अलग रह नहीं सकता हूँ, मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं तन्मयकार हो जाता हूँ। तो स्वामी जी इसके लिए पुरुषार्थ ज्यादा करके बहुत से लोग ये इन्वॉल्व हो जाने में ही करते हैं, लेकिन जो दूसरा पुरुषार्थ है वो भाव करने का उसके हिसाब से अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए हम लोग भाव कर सकते हैं दूसरा भाव के लिए भी। तो सब लोग को पुरुषार्थ स्वामी जी ये भाव में ही करना चाहते हैं, उन लोगों का वही एक चीज रहा है पुरुषार्थ करने का, माइंड में वही बैठ गया है। तो लेकिन अभी तो स्वामी जी एक तो अपना ये तय है कि अपना ये भाव में ही अपने को ज्ञान मिला है, अज्ञान इतना भवो भव का है, तो आपका ज्ञान दर्शन का जो आपका जो लेवल है प्लस संयोग है और करंट आप जो लेके आए है वो सबका जो डिग्री है कभी कभी आपका जो ज्ञान दर्शन की लेवल की जरूरत पड़ती है कोई संयोग में से, तो उससे आपका ज्ञान दर्शन का लेवल कम होता है इसलिए आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो स्वामी जी बहुत से लोगों को अपना स्वामी जी समझ में माइंड में बैठता नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन बार बार उठते रहता है। तो स्वामी जी उसके लिए आप एकदम डिटेल में थोड़ा फोर्ड पढ़ दो तो अपना स्वामी जी ये जो चीज रहेगा ना तो किसी को भी ये अच्छी तरह से वो लोग सुन पावे, बहुत अच्छी तरह से अपना समझ पावे और अपना ये क्वेश्चन बार बार उठे नहीं स्वामी जी। इसमें क्या होता है कि हमको पहले एक साइंटिस्ट के रूप में देखना है कि एक तरफ शरीर है एक तरफ आत्मा है और मैं यानी प्रतिष्ठित आत्मा, न मैं शरीर हूं न मैं आत्मा हूं, मगर क्योंकि जब तक मेरे पास अज्ञान था तब तक शरीर को ही मेरा स्वरूप मैंने माना समझा, राग द्वेष हुआ, कर्तापन मालिकीपन हुआ, कर्मबद्ध हुआ, कर्म बंधन हुआ और जन्म मरण का चक्कर चालू रहा। अभी मैं समझता हूं ये विज्ञान के माध्यम से कि आखिर मैं मन वचन काया नहीं हूं, मैं मन वचन काया से मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूं। और ये मन वचन काया है वो जन्म से मौत तक कुदरती रचना है और वो पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक वो काम करता है, और इसीलिए मेरी दृष्टि जो पहले मन वचन काया ही मैं हूं, मन वचन काया को चलाने वाला ही मैं हूं और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो ही भुगतान मैं करता हूं, ये जो मेरी मान्यता थी, ये जो मेरी दृष्टि थी, ये जो मेरी सोच थी वो बदल गई। अभी मैं शुद्धात्मा हो गया, चेतन हो गया, अविनाशी हो गया और अनंत शक्ति वाला हो गया, तो मांगना और खोना वो सब्जेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है तो अविनाशी में ना कुछ प्लस होता है ना कुछ माइनस होता है। तो धीरे धीरे ये रिलेटिव सत्य रूपी जो हमारी दृष्टि लेकर आए वो सभी दृष्टि को कुदरती रचना के रूप में देखकर वो ही दृष्टि को इरेज करना है बस। जैसे जैसे इरेज करते रहोगे और अंदर हमको मालूम है कि वास्तव में मैं कौन हूं, तो ये रिलेटिव सत्य की दृष्टि को जिसको हम देहाध्यास बोलते हैं ज्ञानी पुरुष की भाषा में, इनको हमारी दृष्टि में से ही खत्म करना है और यही हमारा पुरुषार्थ है। और शुद्धात्मा पद का लक्ष्य जो है
वो दिन ब दिन हमको स्ट्रांग करना है और ये सिंपल है। तो उसमें नई समझ में आने की क्या बात है, जब तीनों चीज अलग है, इसमें जो बीच वाला है वो उसका अस्तित्व अज्ञान से खड़ा है। प्रकृति है वो तो कुदरती रचना है, परमात्मा है वो तो तत्व रूपी शाश्वत है, और प्रतिष्ठित आत्मा है वो जहां तक अज्ञान है वहां तक रहेगा। तो उसमें से अज्ञान निकालने के लिए सनातन सत्य समझना पड़ेगा, और सनातन सत्य का मन वचन काया के हर अवस्था में उपयोग करना पड़ेगा ताकि नया अज्ञान कैरी फॉरवर्ड ना होए। और यही हमारा पुरुषार्थ है, और इसीलिए हमको तकलीफ होती है, मेहनत होती है, नई समझ में आता है, ये तो कोई प्रश्न है ही नहीं। इसमें कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आए, क्योंकि ये विज्ञान समझने के लिए शास्त्र ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्रियाकांड करना या न करना आवश्यक नहीं है, किसी को भगवान ये गुरु मानना आवश्यक नहीं है। ये विज्ञान बिल्कुल सिंपल है और सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और वो गोल गोल नहीं है। जब सिद्धांत होता है तो गोल गोल नहीं होता है, जीव मात्र के लिए एक ही प्रकार का विज्ञान होता है। तो इसमें समझने में कठिनाइयां नहीं हो सकती है। अगर धर्म को समझना है तो कठिनाइयां हो सकती है, क्योंकि धर्म के अंदर तो हमको भगवान को भी मानना है, गुरु को भी मानना है, मंदिर को भी मानना है, मंत्र को भी मानना है, शास्त्र को भी मानना है, संस्था को भी मानना है, और गुरु शिष्य का रोल बजाना है, क्रियाकांड भी करना है, भक्तों के साथ भी रहना है। तो ये सब कुछ होते हुए आपको इजी लगता है, यहाँ उसमें से कुछ नहीं करना है आपको डिफिकल्ट लगता है। अभी आपको सोचना है कि डिफिकल्ट क्या है, इजी क्या है। आप दूसरे व्यक्ति को पूछेंगे तो भी कहेंगे कि फॉर्मेट ही डिफिकल्ट हो सकता है, ये विज्ञान तो डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। बोलिए। हाँ नहीं वो है, लेकिन स्वामी जी अभी क्या ये अपना ज्ञान सब लोगों को समझ में आता है, लेकिन उसका ये उन लोगों को मिसगाइड ये होता है कि अपना वो इन्वॉल्व हो जाते, क्योंकि अपना वो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। विज्ञान का अपना जो तीन विज्ञान आपने जो समझाया स्वामी, उसका उपयोग नहीं है, वो चीज वो एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नहीं होता है। तो इसलिए बार बार क्वेश्चन होते रहते हैं। शायद स्वामी जी अपना एक दो वीक पहले अपना राजू भाई अपना दिस यूके वाले उसका भी वही क्वेश्चन है कि अपना मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, क्यों इन्वॉल्व जाता हूँ, वो परमाणु की थियरी बात कर रहे। लेकिन ये जो चीज है स्वामी जी कि मेरा ज्ञान दर्शन का जो लेवल है जो लेके आया है, प्लस करंट ईयर करंट भाव का जो ज्ञान दर्शन है, और मेरा संयोग है वो मेरा उसका जो लेवल है, वो मेरा जो संयोग का जो लेवल है उससे मेरा कम होता है, इसलिए मैं अपना वो विज्ञान के उपयोग वो हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ, वो अपना वो चीज वो संयोग के लिए इम्पॉसिबल है। वो चीज स्वामी जी को स्वामी जी सबको समझ में नहीं आता है, सबको इसके कोई ना कोई तकलीफ की वजह से, क्या वो अपना उदय कर्म नहीं रहेगा, क्या उसका अभी तक उसका समय पाका नहीं होगा, इसलिए। तो स्वामी जी उसके लिए मैं आप बोल रहा था कि वो अपना वो चीज एकदम अच्छी तरह से समझाए तो ये चीज सबको विज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है, समझ की कोई बात नहीं, समझ में तो सब समझ तो सबको आ गया है, ये चीज ये हिसाब से है ही, लेकिन उपयोग नहीं है, उसको भी स्वामी जी अपना कुछ ये वीकनेस मानते हैं। लेकिन वीकनेस मानने से पहले स्वामी जी ये जो है ना वो अगर स्वीकार कर ले तो वो वीकनेस नहीं रहेगा स्वामी जी, और उसके लिए बराबर पुरुषार्थ करेगा और खुमारी उसकी बढ़ेगी, वो उसमें सब कभी उपयोग नहीं करेंगे। विज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे दृष्टि से तो फिर अनुभव कैसे होगा। हाँ रोटी बनाने का ज्ञान प्राप्त करने से रोटी खाने का अनुभव होता है नहीं होता है ना स्वामी जी। हम अगर आपने कहा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया मैंने, नहीं नहीं स्वामी जी मेरी बात नहीं कर रहा हूँ स्वामी जी कि ये नहीं, सब नहीं। हाँ आप समझे नहीं, आप मेरे को प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर मैं आपको ही दूंगा ना। यस यस सॉरी सॉरी राइट, और किसी को कैसे दूंगा। हाँ बराबर सॉरी सॉरी सॉरी, तुम कहते मेरे चाचा का प्रश्न है और प्रश्न आप करते हैं, तो मैं चाचा को उत्तर कैसे दूंगा। बराबर राइट रामेश जी, बराबर है स्वामी राइट सॉरी।
आई विल चेंज माय दिस नेवर जब आपका प्रश्न है तो मैं उत्तर आपको ही दूंगा ना राइट उसमें आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताओ कि आपकी बात मेरे को यहाँ उत्तर देने में समझ में नहीं आती तो मैं और समझाऊंगा। हाँ नहीं स्वामी जी ये सब जो चीज है ना ये विज्ञान के उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी मान लो कि अभी दूसरा है कि मैं पर रोटी बनाना चाहता हूँ ये रहता है फीलिंग वो बहुत सा मैं कोशिश करने के बाद भी मेरी बनती नहीं है तो वो उसमें विज्ञान के यो उसका उपयोग मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसमें विज्ञान की समझ का प्रॉब्लम मुझे नहीं आता है लेकिन विज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता हूँ वो विज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर सकता हूँ ये प्रश्न है स्वामी जी वो तो तुम ऐसी बात करते हो कि मैंने मिठाई बना मिठाई कैसे बनती है वो भी जान लिया मिठाई बना भी लिया मेरे सामने भी है मगर मैं मुंह में नहीं रख सकता हूँ फिर क्या होगा अनुभव कैसे होगा। स्वामी जी अपने राजीव भाई जो थे उसमें भी यही बात किया था उस पर दवाई की बात की थी स्वामी जी आपने कि दवाई भी है रोग है और योग के सामने ये है आपको तो रोग कैसे जाएंगे फिर हाँ। तो दवा डॉक्टर के पास जाना दवाइयां लेना दवाइयां खिसे में रखना फिर लेना नहीं तो फिर आप कहेंगे रोग नहीं गया तो मतलब क्या रहा इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है दवा की गलती नहीं है आपने जब उपयोग ही नहीं किया है तो फिर फायदा कैसे होगा। नहीं स्वामी जी उसमें दूसरा भी रहता है उपयोग करते हैं फिर भी उपयोग का जो रहता है ना वो सक्सेसफुल नहीं जाता है। मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान में सक्सेस अनसक्सेस होता ही नहीं है सक्सेस और अनसक्सेस दोनों रिलेटिव सत्य है विज्ञान में सेपरेशन होता है तो तभी उसका स्वामी जी सफलता निष्फलता दोनों रिलेटिव सत्य है सेपरेट रहना वो हमारा सनातन सत्य है क्योंकि हम सेपरेट है और इसी का तो अनुभव करना है हमको प्रकृति को सुधारना है बदलना है वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है सफलता निष्फलता हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं प्रकृति से मुक्त रहना ही हमारा सब्जेक्ट है वो मैंने हर सत्संग में मैं बार बार कहता हूं कि हमारा स्पिरिचुअल साइंस मन वचन काया से मुक्त रहने का है और शुद्धात्मा पद की दृष्टि को मजबूत करता है फिर बार बार होता है कि भी मन वचन काया को कैसे बदले कैसे अनुभव करे भी मन वचन काया का तो अनुभव करना ही नहीं है बदलना ही नहीं है हमको हमको तो मुक्त रहना है। नहीं स्वामी वो बराबर है वो तो एक बात है लेकिन अभी तभी ये भी मेरा एक रजा होता है भावना मैं उपयोग नहीं कर सकता हूँ उसका ये है ना कि मेरा ज्ञान दर्शन का जो लेवल है और जो संयोग में ज्ञान दर्शन की जरूरत है उससे मेरा कम होता है इसलिए भी मैं उपयोग नहीं कर पाता हूँ वो भी एक मेरा रीजन है ना स्वामी जी। हाँ मगर उपयोग नहीं कर पाता हूँ बराबर हाँ। तो उपयोग करना वही तो पुरुषार्थ है वो भी दृष्टि हाँ। की बात है वहां क्रिया की तो बात है नहीं अपने पास हाँ हाँ तो अगर वो मेरा अगर नहीं कर पाता तो मेरा अपना या उसका सॉल्यूशन यही है स्वामी जी कि मेरा अपना जो आप सिंपल बताओ आप सिंपल बताओ कि आपके घर के बाहर कार खड़ी है वो कार के आप मालिक हो हाँ। और कोई बच्चे ने वो कार का शीशा तोड़ दिया आपने अपने घर में से उस लड़के को और कार को देखा तो आपको राग द्वेष होगा कि नहीं होगा लड़के के ऊपर होगा और वही कार वही लड़का और वही आप है मगर कार आपकी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा तो दृष्टि तो वही है ना आपकी आंखें भी वही है दृश्य भी वही है ना बराबर स्वामी जी मगर आपने क्या यूज नहीं किया ये मेरी मालिकी नहीं है यही तो यूज किया ना बराबर यहां भी मैं कहता हूं ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है मेरी मालिक ही नहीं है यही दृष्टि का तो उपयोग करना है इसमें चमत्कार की तो बात आती नहीं है। हाँ बराबर है स्वामी जी लेकिन कभी ये हम लोग जो अपना क्योंकि आपने सत्संग में भी बार बार किया है कि कोई संयोग इतना भारी हो जाता है ना तो वो टाइम पे अपना ज्ञान दर्शन का अपना जो लेवल है उसे अपना जो संयोग की जो जरूरत रहती है
उससे अपना कम होता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो वो टाइम पे आपने बोला अपना ठीक है कि ये ऐसा संयोग को मैं अपना अच्छी तरह से उसको संभव से संभव रहे ऐसा मुझे मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग को मुझे नेक्स्ट भाव में प्राप्त हुए ऐसा हम लोग भावना करते हैं स्वामी जी। तो वो टाइम के वो भी एक है ही ना स्वामी जी। वो तो बराबर बात है, मगर मैं तो समझाने की बात करता हूँ कि समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उनको डिफिकल्ट बात भी सरल लगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये मैंने बात एक्सप्लेन किया कि भाई कार भी वही थी, लड़का भी वही था, आप भी वही थे और दृश्य भी वही था, पहले आपको द्वेष हुआ और बाद में नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ बताइए आप। सचो संजोग तो एक ही थे, आप भी वही थे, लड़का भी वही था, कार भी वही थी और क्रिया भी वही थी, तो दोनों में अंतर क्यों रहा आपके दृष्टि में? तो कि पहले दृष्टि थी मैं मालिक हूँ, दूसरी बार दृष्टि थी मैं मालिक नहीं हूँ, तो आखिर वो दृष्टि का ही प्रयोग हुआ कि कोई फिजिकल क्रिया हुई? नहीं बरो स्वामी जी, अपने दृष्टि का अपना प्रयोग हो गया, बस वही दृष्टि से हमको ये मन वचन का आया कि हम मालिक है, मन वचन काया को चलाने वाला है, मन वचन काया जो भुगतान करता है वो उसका भुगतान करने वाला है, तब तो असर होगी। मगर मैं जब मन वचन काया से मुक्त हूँ, जब मालिक ही नहीं है, तो फिर असर कैसे होगी? लेकिन अपना स्वामी जी वो अपना वो जो अपना जो वो अपना अज्ञान अज्ञान या जो भी मान्यता है इतना इतना गार्ड लेके आया है, तो उसको भी तोड़ने में तो टाइम तो लगेगा ना स्वामी जी, तो उसके इतना बहुत अपना ये मेरा प्रश्न ये नहीं है कि तोड़ने के लिए टाइम लगेगा और कितना लगेगा, वो प्रश्न नहीं है। आज मेरे सामने जो संजोग है वो संजोग में मेरे को उसकी मालिकी भाव और कर्ता भाव मेरी दृष्टि में से खत्म करना है, एक ही अवस्था में जो मेरे सामने है। मेरे सामने लाखों अवस्था अभी एट ए टाइम मेरे सामने नहीं है। बराबर है स्वामी जी। तो मैं लाखों अवस्था के लिए अभी क्यों सोचू? मेरे सामने एक अवस्था है और वही अवस्था में मेरे को मन वचन काया से मुक्त रहने के लिए उसमें से मालिकी भाव और कर्ता भाव मेरी दृष्टि में से खत्म करना है। खत्म हो गई बात। पहले लाखों संजोग आ गए, बाद में लाखों आ जाए, उसके सोचने की जरूरत क्या है? बराबर है स्वामी जी। क्यों छोटी बात को इतनी लोडे बना देते हो? ओके स्वामी जी। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जो ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उसमें प्रोसेस होके एक्शन और स्पीच का बीज पड़ता है, उस एक्शन और स्पीच के लिए जो भी मन में जो बुद्धि में जो प्रोसेसिंग हुआ वो सब जो प्रोसेस होने वाला जो था वो भी वैसे का वैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज में वो स्पीच और एक्शन के एक्शन को आने के लिए वो सहयोग में वो मन बुद्धि चित्त भी उसके साथ डिस्चार्ज में आता है। जो वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो वैसे ही रहेगा ना स्वामी जी, वो डिस्चार्ज नहीं होगा, वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री फिर से प्रोसेसिंग फैक्ट्री यहाँ चार्ज है, नेक्स्ट बर्थ में वही प्रोसेसिंग फैक्ट्री डिस्चार्ज के रूप में अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार कार्य करने के लिए ऑटो मोड से काम करेगी। यहाँ चार, यहाँ डिस्चार्ज। हाँ, वो चार्ज करने वाला प्रोसेसिंग फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट तो आएगा लेकिन वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो रहेगा ना स्वामी जी, जब तक वो बिलीफ है। वही तो मैंने कहा है कि प्रोसेसिंग फैक्ट्री यहाँ चार्ज के रूप में इस अवतार में है, वो ही प्रोसेस सेम वहां डिस्चार्ज होगी। हाँ, सेम। हाँ, तो नया प्रोसेसिंग फैक्ट्री खड़ा होना चाहिए जब वो
वो एवरी एवरी मनुष्य भाव में खड़ा होता है, पुरानी डिस्चार्ज होती है नई चार्ज होती है, पुरानी डिस्चार्ज होती है नई चार्ज होती है, जहां तक अज्ञान है वहां तक ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। हाँ, वो खड़ा होने के लिए वो सिर्फ ज्ञान दर्शन के आधार पर ही पिछला डेवलपमेंट के आधार पे ही खड़े रहेगा। हाँ, वो तो उसके आधार से ही तो प्रोसेस कैसे होगा। हाँ, तो अज्ञान भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा। आपका रो मटेरियल क्या है? आपका रो मटेरियल आपका ज्ञान दर्शन है, आपका इंटेंशन है, आपका भाव है, वो आपका रो मटेरियल है। वो रो मटेरियल की प्रोसेसिंग प्रोसेस होगी प्रोसेसिंग फैक्ट्री में, और उसके आधार से स्पीच और एक्शन के बीज बनेंगे। तो स्वामी जी, उसमें जो डेवलपमेंट में जो अज्ञान मिटा, वो अज्ञान भी, अज्ञान जो मिटा और जो बाकी रहा वो अज्ञान भी वो ज्ञान दर्शन में रहेगा ना स्वामी जी? नहीं, अज्ञान मिटता है तो वो अज्ञान निकल जाएगा, बाकी का अज्ञान रहेगा। हाँ, ऐसे आपका डेवलपमेंट धीरे 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 होता रहेगा। हाँ, एक एक अज्ञान की बिलीफ निकलते 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 वो सब अज्ञान धीरे धीरे निकलता जाएगा। हाँ, ये प्रोसेस है। जैसे हमने अज्ञान को डाउनलोड किया है वैसे हाँ, ही वो धीरे धीरे इरेज होता है। मगर जब निकलता है तब हमको विज्ञान ध्यान में रखोगे तो वो निकल जाएगा, नहीं रखोगे तो फिर वही अज्ञान कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ, ठीक है समझे। और एक प्रश्न है, अभी आपने बताया कि दृष्टि ये सम्यक है ज्ञान और मिथ्या है, और जो वो एक बिलीफ है कि मैं अनुभव करने वाला, मैं प्रकृति में घुस के वो उस तरफ का ज्यादा क्रिएशन करने लगता है कि प्रकृति में हूँ और प्रकृति से अनुभव में जो भी आता है वो मुझे होता है, ऐसे समझ के प्रकृति को ही अपना मान के वो ज्यादा ज्यादा अपना विभव क्रिएट करता ही जाता है, उसको ही हम बिलीफ को अभी हम मैं शुद्धात्मा हूँ करके रखते हैं तरफ, जबकि वो ना ही जड़ है ना ही वो चेतन है। बिलीफ तो हम इस तरफ रखते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, तो रखते हैं इस तरफ है तो इस तरफ चलने लगता है वो बिलीफ। ओके, तो सचमुच तो वो ना ही वो चेतन है ना ही वो जड़ है, लेकिन हम बिलीफ को अभी इस तरफ रखने के कारण सम्यक तरफ रखेंगे तो वो अपना क्रिएशन नहीं कर पाएगा जो भी प्रकृति के इस तरफ का, तो हाँ, इस तरफ को वैराग आते ही जाएगा। हाँ, वैराग आने के कारण उसका जन्म का ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सचमुच तो वो मुक्ति भी नहीं पाता है। नहीं, सिर्फ एक बिलीफ है कि वो मैं मुक्ति पाता हूँ। पुरुषार्थ करने वाला जो होता है उसका तो एंड हो जाता है जब अज्ञान खत्म होता है, तो फिर उसको मुक्ति की क्या जरूरत है? वो उनका अस्तित्व जब परमानेंट है ही नहीं तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो इसकी होती है जो परमानेंट है। हाँ, बाकी जन्म और मृत्यु होता है और उत्पत्ति और नाश होती है, तो अज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 अवतार के बाद उसका नाश हो जाएगा। उत्पत्ति है तो नाश हो जाएगी, जन्म है तो मृत्यु हो जाएगा, आत्मा का जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं है, इसीलिए मोक्ष में जाता है। हाँ, तो अभी सम्यक जो भी जिसको भी अभी सम्यक का ज्ञान हुआ कि बिलीफ इस तरफ रखा, तो इस तरफ रखने के बाद कितना भी जन्म होने दो फिर भी वो बाद में तो उसका शायक समेकित या केवल दर्शन होना तय ही है, क्योंकि वो इस तरफ का बिलीफ रखा है तो इस तरफ का बिलीफ का प्रकृति भाग का बिलीफ खत्म होते ही होना ही चाहिए ना स्वामी जी? ऑफ कोर्स, बराबर है, बराबर है। हाँ, देर लगेगी, लेकिन देर लगेगी, वो तो आपके अंदर कितना स्टॉक है
और आपका पुरुषार्थ में कितना आप सिंसियर है उसके ऊपर आधारित है ना। हाँ। मगर एक बात तो तय है ना कि हमको सही रास्ता मिला, ये तो पहला प्लस पॉइंट है कि नहीं। हाँ। जब रास्ता ही सही नहीं है फिर आप स्लो चलो या फास्ट चलो क्या फर्क होगा। हाँ। जब रास्ता सही नहीं है उस रास्ते पर आप फास्ट चलो या स्लो चलो क्या फर्क होगा। हाँ। समझ में आया कि नहीं। हाँ हाँ। और एक बात है स्वामी जी, मुझे ऐसा भी लगता है कि एक सपने, सपना जैसा हम सपने में, सपना कोई सच मांग के सपने में उलझ के ज्यादा ज्यादा सपना देखा तो फैलता ही जाएगा। उठने की कोशिश, जब ये सपना है ऐसा हम उठते हैं तो हम सपने को कम कर सकते हैं। जैसे हम अभी सोते हैं तब हम जो सपना ही देखते हैं उस प्रोसेस का बोल रही हूँ, वही प्रोसेस है। हम प्रतिष्ठित आत्मा को भी वही प्रोसेस होता है ना स्वामी जी उठने का। तो आखिर लाइफ ही तो एक बड़ा ड्रीम ही तो है और क्या है। हाँ। मगर ड्रीम को हम ड्रीम नहीं मानते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। ये रात को सोते हैं वो छोटा ड्रीम है और हमारी लाइफ वो लंबा ड्रीम है, मगर दोनों ड्रीम है, दोनों को बिगिनिंग है, दोनों का एंड है, मगर उसमें जितना सच्चा लगता है वो हमारी अज्ञानता है। हाँ। और वो अज्ञानता को मिटाना पड़ेगा आज नहीं तो कल। हाँ। ड्रीम तो ड्रीम ही है हम माने या ना माने। हाँ। ड्रीम का मतलब भी होता है नहीं होते हुए भी दिखता है। हाँ। अब समझे मैं क्या कहता हूं। हाँ। सही। आज फिल्म के पर्दे के ऊपर जो दृश्य दिखता है वो वास्तव में नहीं है वहां कुछ। हाँ। ऐसे हमारे जीवन में जो जो प्रसंग आते हैं दृश्य के रूप में फिजिकल फॉर्म में, मगर वो दृश्य का एंड हो जाने के बाद वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। हाँ। तो वो भी तो सपना था इसीलिए खत्म हो गया। अगर परमानेंट होता तो जाता क्यों। हाँ। वो भी तो सपना है। कल तक हमारी लाइफ जो खत्म हो गई कल तक की, मानो के थर्ड दिसंबर 2020 का जो हमारी लाइफ थी, अप टू थर्ड दिसंबर 2020 की जो हमारी लाइफ है अप टू जन्म से अभी तक की, वो पूरी लाइफ खत्म हो गई तो हमारे लिए तो वो ड्रीम है। ड्रीम है। हाँ। तो कहने का मतलब उसमें से कुछ ये भाव में वापिस आने वाला नहीं है तो हमारे लिए। हाँ। तो आज ड्रीम हो गया है ना। हाँ। तो ड्रीम मानते हैं वही तो अज्ञानता है और बाकी का ड्रीम भी बाकी है, इसका हाँ। भी एंड हो जाएगा अपने ही समय पे। वहां भी हमारी चॉइस नहीं है, है चॉइस नहीं है। इसलिए ज्ञानी बोलते हैं कि आप पिछले दिनों में या पिछले जो भी कर्म है, जो भी इंसिडेंस हो गया उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, मेरी कोई मना नहीं है, मगर इसकी कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप जाओगे तो फायदा से ज्यादा नुकसान होने की पूरे पूरी संभावना है। हाँ। और इसीलिए मैं बार बार मना करता हूँ, फिर भी किसी को अपनी मर्जी से जाना है तो जा सकते हैं। मेरा काम तो आपको समझाना है, फॉलो करना न करना वो तो सबका इंडिविजुअल बात है ना। हाँ, तो सपने को और ज्यादा गाढ़ कर सकते हैं कि सपना सच है, सपने भी फिर सपने को बार बार याद कर, जो सपना खत्म हो गया बार बार याद करने का मतलब क्या है आपको। हाँ। वो अपने आप तो रिपीट होने वाला है नहीं, तुम उसको याद करके बुलाते हो वाय। हाँ। जिसका लाइफ ही खत्म हो गया वो मुर्दे को जिंदा क्यों करते हो आप। हाँ। आप खुद चेतन के रूप में जिंदे हो। हाँ। और मुर्दे को जिंदा क्यों करते हो। हाँ, सही है। हाँ, हाँ, समझ में मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ। बेटर आप विज्ञान का ज्यादा उपयोग करने में आपका अटेंशन दो, और अभी के संजोग में
आप मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से कैसे मुक्त रह सको, यही विज्ञान की जागृति रख के उपयोग करने के लिए अटेंशन दो, वो आपके हाँ. लिए अच्छा है, बेटर देन पास्ट का देखना. हाँ. सही बात है, ये आपके सामने प्रेजेंट है और पास्ट वो प्रेजेंट नहीं, आप खुद उसको उठा के लाते हैं प्रेजेंट में. कुदरत नहीं कहती है कि आप प्रेजेंट में लाओ. सिर्फ एक पिक्चर जैसा ही देखना है, उसको गुजर जाने देना है. सही है. ये मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, मगर जितने लोगों को समझ में आए इतना अच्छा है, क्योंकि आज दुनिया में जाओगे तो सभी धर्मों के अंदर क्षमा कहो, प्रतिक्रमण कहो, माफी कहो, वो बात हर धर्म के अंदर है और रहेगी. और धार्मिक तौर पे ये बात सही है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ. मगर अध्यात्म में जो आपको मुक्ति पाना है, आत्मा की अनुभूति करना है, अज्ञान को निकालना है, तो उसमें ये बात की कोई जरूरत नहीं है. नहीं है. अगर इसका उपयोग करते रहोगे तो वो भी एक प्रकार का अज्ञान ही है. और फिर अज्ञान से तो अज्ञान नहीं जाएगा. सही है. तो मैं अपने ब्रॉड विजन से ये बात बताता हूँ, कोई शॉर्ट विजन से नहीं बताता हूँ. और इसीलिए अभी तक हजारों लोगों ने ये प्रश्न किया, मगर सभी व्यक्तियों को प्रश्न का समाधान दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा विजन इतना ब्रॉड है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है. सही है संत. तो इसीलिए कोई भी एंगल से प्रश्न करोगे तो मैं कहूंगा ये स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर या तो मुक्ति के मार्ग के ऊपर हितावह नहीं है, धर्म के और सामाजिक मार्ग में उसके जरूरत है, वो मैं स्वीकार करता हूँ. कविराज ने एक पद्म काया है, वो तो क्या होता है, इसको शरीर को कुछ स्वस्थ नहीं हो तो वो अप्लाई करते रहते, ये तो मैं नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो मन वचन शरीर को हो रहा है, इससे मैं अलग हूँ, ऐसे अप्लाई करती रहती हूँ मैं स्वामी जी. लेकिन फिर बाद बाद में फिर क्या होता है, एक क्या क्यों कुछ इसके इस शरीर को कुछ स्वस्थ नहीं, कुछ बैक पेन ऐसे हो गया है, अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ. फिर भी क्या होता है, फिर भी क्या ए, 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 तो ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे प्रश्न उठता ही रहता है मन में. चित्त तो क्या होता है, उस तरफ इस तरफ, ये तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे होता है, वो भी मालूम होता है, ये तो मुझको नहीं, ये तो मन में विचार आ रहे हैं, ऐसे मालूम होता है. फिर भी वो तो उतना असर नहीं होता है, फिर भी उसमें ये ऐसे क्या हुआ, ऐसे प्रश्न उठता है, ये क्यों है स्वामी जी? वो तो रहेगा ना, क्योंकि जो बुद्धि है. हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बुद्धि जो लेकर आए है, वो बुद्धि हमारी विकल्पी है, और विकल्पी होने के नाते ऐसा संशय करती रहेगी, मगर हमको देखना है हमारा ज्ञान और दर्शन निर्विकल्पी होना चाहिए, जो पुरुषार्थ वाला है. परिणाम वाला भाग जो है उसमें जो बुद्धि है वो तो विकल्पी ही रहेगी, और इसीलिए उनको अलग देखने से ही अपने आप समाप्त हो जाएगी. इसको समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं करना है, इसको अलग देखोगे निर्विकल्पी दृष्टि से, तो ये विकल्पी दृष्टि का अपने आप टाइम के मुताबिक एंड हो जाएगा. मगर अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो गए तो हमारा ज्ञान दर्शन भी विकल्पी हो जाएगा, फिर पजल और ज्यादा बढ़ेगा. हाँ हाँ स्वामी जी, वो मालूम होता है, कुदरत की रचना है, और इसको टाइम इतना टाइम होता है, वो टाइम होने के बाद चले जाते, वो सब मालूम होता है, फिर कुछ गड़बड़. आज आज भगवान श्री राम ऐसा कहेंगे कि रावण मेरी धर्म पत्नी ले गई, और अभी मेरे को टेंशन हो रहा है कि कहाँ गई होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, कौन ले गया होगा,
ऐसा उलझन राम को हो सकता है, क्योंकि वो डिस्चार्ज भाग है राम का, राम खुद ही डिस्चार्ज है, राम का आत्मा डिस्चार्ज नहीं है, मगर राम का मन वचन काया और अवस्था तो डिस्चार्ज है कि नहीं? डिस्चार्ज है बाबा। तो उसके मन में भी ऐसा विकल्प आएगा, इनको भी लगेगा कि मेरी धर्म पत्नी कहाँ गई है, कौन ले गया होगा, कहाँ रहती होगी, क्या खाती होगी, वो भी रोती होगी, ऐसा विचार आते होंगे उनको भी, और इसीलिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जंगलों में घूमते हैं सीते सीते करके। फिर धीरे धीरे इसको हनुमान मिलते हैं, हनुमान के माध्यम से उसको भेजते हैं कि जाओ आप तपास करके आओ कहाँ है, तो वो धीरे धीरे करके जाते हैं, और एक दिन वो सीता जी को बताते हैं कि सीता जी यहाँ लंका में है और मैंने उसको साइन दिया है अंगूठी, तो वो मान गई कि मैं आपका दूत हूँ। फिर उन्होंने कुछ दिया ताकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि मैं उनको मिल के आया हूँ, तो इस प्रकार से ये संवाद हुआ। तभी कम से कम राम को इतना तो हुआ कि चलो भी मेरी सीता कम से कम इस जगह पे है, इतना तो मालूम हुआ फर्स्ट। अभी इसको वापिस कैसा लेना है वो दूसरा प्रयोग है। मगर ऐसे संजोग में प्रकृति के अंदर या अंतस्करण के अंदर द्विधा तो होगी ही, नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, मगर वो भी डिस्चार्ज है, वो भी डिस्चार्ज है। हमको तो वो एबनॉर्मल मन वचन काया जो निकलता है बुद्धि चित अहंकार, इससे ही मुक्त रहना है, क्योंकि हमारा ज्ञान दर्शन जो अभी मिला है साइंटिफिकली वो निर्विकल्पी है, उसमें कोई विकल्प या द्वंद है नहीं, नहीं। तो उसमें तो उस कंफ्यूजन है ही नहीं, और जो कंफ्यूजन है वो तो निकल रहा है, तो हमको क्या करना है, कंफ्यूजन को दूर करना है नहीं, जिस जो कंफ्यूजन वाला भाग है उससे मुक्त हो जाओगे तो कंफ्यूजन तो अपना लाइफ लेकर आया है, अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ स्वामी जी, हाँ हाँ मालूम। हमको खत्म करने की, टच करने की, इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी जी, नहीं है, हाँ मालूम। अगर आप इसको निकालने के लिए जाओगे तो आपको फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वाय। हाँ स्वामी जी, इन्वॉल्व। हमारा विज्ञान कहता है कि मन वचन काया आप है नहीं, मन वचन काया को चलाने वाले आप है नहीं, और मन वचन काया से जो भुगतान होते हैं वो भुगतान करने वाले भी आप नहीं है, तो फिर आपको उसमें इन्वॉल्व होने की क्या क्या आवश्यकता है बताइए? आवश्यकता नहीं है स्वामी जी, संपूर्ण अलग ही हूँ। हाँ मालूम हो गया, वो तो मालूम होता है स्वामी जी, एक एक बार ऐसा होता है, अभी तो मालूम होगा, वो भी डिस्चार्ज जो होगा वो मन बुद्धि ये सब विकल्प ही होगा, मैं तो निर्विकल्प, वो तो हमारा ज्ञान दर्शन ऐसा होता है। जी, तो क्या होता है, इसको शरीर को दर्द हो गए तो मालूम पड़ता है, मैं सोचती हूँ क्या होता है कि ये तो मुझे नहीं है, ये तो शरीर को होता है, ये तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को भुगता है, और इससे मैं अलग शुद्ध आत्मा हूँ वो मालूम होता है, फिर भी ये अस शरीर का दर्द है ना स्वामी जी, वो मालूम होता है ना? वो बताऊ मैं आपको, शरीर को जो दर्द होता है वो दर्द की भुगतान डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा करता है, क्योंकि उसने चार्ज किया था राग द्वेष से कर्म, तो भुगतान तो करनी ही पड़ेगी। हाँ स्वामी जी, बॉडी के माध्यम से भुगतान तो उनकी ही कर उनको ही करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मगर जो हमारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है जिन्होंने अभी कर्म चार्ज नहीं किया है, हाँ हाँ, वो उनसे अलग रहता है तो उनको भुगतान नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मगर वो उससे जुड़ जाएगा तो वो समझेगा कि मेरे को भी भुगतान है, और वही अज्ञानता है, अज्ञानता होता है। तो हमको तो अज्ञानता को निकालना है, मन वचन काया को बदलना नहीं है। अज्ञानता को निकालना है स्वामी जी। अज्ञान कौन सा है, मैं मन वचन काया हूँ, मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूँ, और मन वचन काया को जो भुगतान होती है वो मेरे को होती है, यही भ्रांति को तो निकालना है। हाँ स्वामी जी, हाँ, आप देखो, आप देखो कि शरीर अगर पांव में फ्रैक्चर हो गया,
तो आपको पेन होता है, पांव को फ्रैक्चर हुआ तो पेन का फीलिंग आपको होता है, बराबर है आपको, मतलब आपके प्रतिष्ठित आत्मा को, बराबर है। और चेतन की हाजिरी है इसीलिए पेन फील होता है, नहीं तो नहीं होता है। करेक्ट स्वामी जी। अगर वो ही शरीर में से आत्मा निकाल दो फिर शरीर को जला दोगे तो भी कोई दुख नहीं होगा, होगा नहीं? नहीं नहीं होगा। क्यों? नहीं। शरीर तो वही है। हाँ शरीर तो वही है ना। चेतन के प्रकाश की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा कर्मों की भुगतान कर सकता है, और जब प्रतिष्ठित आत्मा का कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है तो गौरी तो कुदरत ने दिया है, वो तो आपकी नहीं है। हाँ स्वामी जी। प्रतिष्ठित आत्मा आपने चार्ज किया था, वो प्रतिष्ठित आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और बॉडी तो कुदरत ने दिया था। हाँ स्वामी जी। हाँ मालूम हुआ स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ थोड़ा आवाज, थोड़ा आवाज, तुम्हारो आवाज। प्रतिष्ठित आत्मा, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, वो जागृत रहता है और विज्ञान में रहता है तो वो उस संयोग में भेद कर देता है कि मैं कौन हूँ और ये जो कुछ भी हो रहा है वो कौन से पार्ट में हो रहा है, वो तभी उसमें भेद कर देता है। लेकिन अगर वो जागृत नहीं है तो वो जो भी वहां पर फिर डिस्चार्ज में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार संयोग के अनुरूप जो भी भाव वहां, जो अभी दो दिन पहले आपने टीवी में कोई डिस्कशन में अज्ञान के अध्यावसाय वर्ड यूज किया था, अध्यावसाय। ओके हाँ जी। तो मतलब मेरा समझना सही है कि नहीं वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बोलिए। जो कुछ अजागृत रहने पर या जागृत रहती हूँ लेकिन वहां पर मन बुद्धि डिस्चार्ज में तो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो भी निकलेगा वो संयोगों के अनुरूप जो मेरे पहले का ज्ञान दर्शन है तो उसमें अज्ञान है, तो अज्ञान के अध्यावसाय मतलब जो भी विभाव जो मैं लेके आई हूँ वो उत्पन्न होंगे, और अगर संयोग में अगर ज्ञान है मुझे उस वक्त ज्ञान मतलब विज्ञान नहीं तो सद्भावना भी वहां पर उदय में जागृत हो सक वहां पर निकल सकती है। ओके हिसाब से तो जागृति में तो मैं वहां से अलग ही हो जाती हूँ। ओके लेकिन अजागृत रहती हूँ तो जो भी भाव वहां पर निकल रहे हैं उसमें मैं ज्वाइंट हो जाती हूँ। ओके तो इससे पूरा जो मुझे समझ में आता है कि पूरा डिस्चार्ज पोर्शन में जो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार में लेके सब कुछ हो रहा है और मेरा मिलना वहां होता है, खाली बस मेरा काम उतना ही होता है कि वहां जुड़ना होता है। तो जो यहाँ आप जो चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री की जो बात होती है कि कोई भी संजोग में यहाँ चार्ज वाले के पास भी मन बुद्धि चित्त अहंकार है ऐसा जो आप बताते हैं वो चार्ज वाली मन बुद्धि चित्त अहंकार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो कैसे प्रोसेस में लगती है। आपकी बात समझ गया, सुनाई देता है? जी सुनाई देता है। हाँ। ओके पहली बात ये है कि हमको एक बात एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आपको ये समझना है और हमारे विजन में सेट कर देना है, कोई भी प्रकार की जो प्रोसेस होती है फिजिकल फॉर्म में, थॉट के फॉर्म में, स्पीच के फॉर्म में, एक्शन के फॉर्म में, और मैं जब मन की बात करूं तो मन बुद्धि चित अहंकार जो हमारी अवस्थाओं के साथ जुड़े हैं, हमारी अवस्था है ना, मन वचन काया की अवस्था के साथ जुड़ा है,
ये सब कुछ ऑटो मोड है, मैकेनिकल है, उससे हमको सिर्फ मुक्त रहना है, ये हमारा ज्ञान दर्शन है। मुक्त रहने का मतलब है मैं मन वचन काय से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, और दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो ज्ञान भी सही होना चाहिए, दर्शन भी सही होना चाहिए, तो फिर और कोई पजल है ही नहीं। बाकी जो प्रोसेस होती है वो तो ऑटो मोड है, उसमें तो इन्वॉल्व होना ही नहीं है अपने को, वो तो होती रहेगी क्योंकि चार्ज तो डिस्चार्ज होगा ही, मन भी होगा, बुद्धि भी होगा, चित भी होगा, अहंकार भी होगा, स्पीच भी होगी, एक्शन भी होगी, और बाहर के संजोग वो भी होंगे, मगर वो तो ऑटो मोड और कुदरती रचना है, उसमें तो हमको इन्वॉल्व होना नहीं है क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। भले हमारे साथ जुड़ा हुआ है मगर हम नहीं है ने? नहीं स्वामी जी, वो बात तो अभी समझ के तौर पर तो क्लियर हो गई है कि वो पोर्शन में मेरा कुछ है नहीं, जो कुछ भी होता है वो ऑटो मोड पे होता है। ओके, ज्ञान निकलता है, जो कुछ भी निकलता है वो ऑटो मोड में निकलता है। मैं खाली पुरुषार्थ विज्ञान का यूज करने के लिए कर सकती हूँ, भेद करने के लिए कि वहां क्या हो रहा है वो मेरा नहीं है और मैं कौन हूँ, बस ये भेद मैं कर सकती हूँ, मेरा उतना ही पुरुषार्थ है भेद कर देना, बस वही तो पुरुषार्थ है आपका ओनली। हाँ, तो मेरा हाथ में खाली भेद करने का है, तो फिर जो कुछ भी होता है वो तो वहां ऑटो मोड में जो मैं लेके आई हूँ मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां पर होता है, तो प्रोसेसिंग वहां पर होती है। चाहे विज्ञान भी जब मैं अप्लाई करती हूँ तो वो भी प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं वहां पर होती है। मतलब मैंने दृष्टि को, मैं जागृत रही और तुरंत मैंने भेद कर दिया, तो उस वो भेद करने के वक्त भी वहां पर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी तुरंत उसको अंदर ग्रास्प कर लेंगे कि हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सब तो मेरा कर्मों का फल है, तो इस तरह से ये कर्मों की वजह से रचना हुई है। तो यहाँ पर में मन बुद्धि चेतन का कुछ प्रोसेस करते हैं ऐसा जो आप बताते हैं ना, वो चार्जिंग पोर्शन का बिल्कुल पकड़ में ही नहीं आता है। नहीं, चार्जिंग प्रोसेस में तो हमको सिर्फ सेपरेट होना है क्योंकि कुदरती रचना देखेंगे तो और चार्ज क्या होगा। हाँ, बस उतना ही समझ में आता है कि उसको कुदरती रचना देखेंगे और अपने स्वरूप में है। वही तो करना है हमको, वही तो करना है। अगर कोई चार्ज करना है तो फिर अवस्था में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमको तो मन वचन काया की अवस्था से मुक्त रहना है, इसलिए तो हम इसको कुदरती रचना देखते हैं। पर कुदरती रचना देखेंगे तो और कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है। मगर ज्यादातर लोगों को पजल क्या होता है, ज्यादातर आई एम टॉकिंग अबाउट 90% प्लस लोगों को पजल क्या होता है, जैसे आप कहोगे ये मेरा मकान है मगर मैं मकान नहीं हूं, बराबर है? ये मेरी कार है मगर मैं कार नहीं हूं, करेक्ट? ये मेरा टीवी है मगर मैं टीवी नहीं हूं, जी ठीक है। ये मेरे हस्बैंड है मगर मैं हस्बैंड नहीं हूं, बराबर है? मगर यहां बॉडी में तकलीफ होती है, बॉडी मैं भी हूं, बॉडी मेरी भी है और मैं भी हूं। इसको डिवाइड करना आम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी जी, समझ में आ रहा है। बाकी जगह आई और माय सेपरेट करना आसान है। आई और माय समझे ना, आई मतलब मैं, सेल्फ, माय मतलब मेरे साथ जो मेरे से अलग है वो। मगर यहाँ आई और माय दोनों एक हो जाता है, मेरा भी शरीर है और मैं भी शरीर हूं, बस एक गलती हो गई। मकान में नहीं बोलते कि मेरा मकान है और मैं मकान हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं, नहीं। मगर शरीर में ऐसा बोलता है, मेरा भी शरीर है और मैं भी शरीर हूं, मैं भी शरीर हूं। बस तो ये विजन को तोड़ना अपनी दृष्टि में से मिटाना, इसी के लिए हमने कुदरती रचना बताया है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि आपको मन वचन का है को चेंज करना है, परिवर्तन करना है, सुधारना है, अच्छा बनाना है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं मन वचन काया ही नहीं हूं,
ये दृष्टि को पक्का करना है। हाँ स्वामी जी, ये जो दृष्टि आपने दी है वो दृष्टि की भी जो समझने की जो प्रोसेसिंग होती है वो ऐसा भी है कि ये जो मैं लेके आई हूँ ना, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, वही पर जैसे सारा प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे अभी मैं सुन रही हूँ यही मन बुद्धि चित्त अहंकार सुन रहे हैं इस ज्ञान को भी, और यही पर ये समझने की अभी प्रोसेसिंग जारी है इसको ग्रास्प करके। या तो जो आप जो चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार जो बताते हैं ना, वो पकड़ है, यही अहंकार पकड़ आ रहा है तो अभी मैं लेके आई हूँ। हाँ। सारा ज्ञान जो मुझे दुनिया में से भी जो दूसरा भी जो ज्ञान मिलता है, ये विज्ञान का ज्ञान भी मिलता है, वो सारा ज्ञान की प्रोसेसिंग इसी में, जहाँ जो मैं लेके आई हूँ इसी में हो रही है, ऐसा मुझे भास होता है। मेरे पास और कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार है ही नहीं, मेरे पास खाली दृष्टि है नहीं अभी। मैं समझ गया मगर मैं क्या कहता हूँ कि आपने जो कहा कि भी मेरे को ये विज्ञान मेरे जागृति में हाजिर रहता है और परिणाम में भी हाजिर रहता है, ऐसा नहीं होता है, मगर परिणाम के अंदर जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है इसको जागृत भाग सेपरेट से देखता है, और इसीलिए मन बुद्धि चित अहंकार जो डिस्चार्ज के फॉर्म में लाए हैं उनकी असर से आप मुक्त रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ है ही नहीं। वास्तव में भी कुछ नहीं है, जुड़ते है तभी तकलीफ है, जुड़ते नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जब जुड़ते हैं तब प्रॉब्लम हो जाता है, क्या हो जाता है, तो इसीलिए आपको 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 कोई भी असर नहीं होती वो अच्छी बात है, मगर डिस्चार्ज के भाग में तो प्रोसेस होगी ही, क्योंकि वो तो आपके हाथ में नहीं है। आपको जो अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं वो तो आके ही रहेगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट। आप आंखें बंद करें तो दुनिया भर के आपको पिक्चर भी दिखाएंगे, यू कैन नॉट स्टॉप इट, क्योंकि वो चित्त का काम है और वो डिस्चार्ज है, तो वो भी होता रहेगा। और इसीलिए हम कहेंगे कि भी हमको कुछ नहीं होता है, नहीं, डिस्चार्ज के भाग में तो होता ही रहेगा, मगर डिस्चार्ज के भाग में जो कुछ होता है उसकी असर हमको कब लगती है, जब हमारा चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा उसमें जुड़ जाता है, तो नहीं तो मैकेनिकल काम चलता रहता है, हमको क्या तकलीफ है, वो उनका काम करे, हम अपने स्वभाव में रहे, हम इससे अलिप्त रहे, कोई तकलीफ नहीं है। तो आपके कहने के हिसाब से चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के पास दृष्टि का उपयोग है, जो उसे अभी जो ये विज्ञान मिला है उसका, वो विज्ञान में है ना, उसका काम है, उसके पास और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा प्रोसेसिंग डिस्चार्ज में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वहीं पर होता है जी, सारी असर भी वहीं पर होती है, वहीं पर होती है। उस असर को मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ तो मेरे पर वो हावी होती है, अगर उस असर को मैं अपने से अलग ही रखती हूँ ज्ञान विज्ञान के द्वारा, तो वो वहीं पर रहती है, मैं विज्ञान में रहती हूँ। वही तो मैं कहता हूँ। मैंने पहले भी कहा जब आप माली मन वचन काया की माली की भाव और कर्ता भाव से मुक्त रहेंगे, वो ही तो टेंशन मुक्त कहो बोझा मुक्त कहो ये हमारी दशा है और यही हमारी अनुभूति है। क्योंकि जो प्रक्रिया करने वाला है, जैसे पंखा चलता है, मैं देखता हूं तो मेरे को थकान नहीं लगेगी, मैं चलूंगा तो थकूंगा ना, मगर मैं तो देखता हूं पंखा को, ऐसे प्रकृति चलती है, काम करती है, थकेगा वो, मैं तो देखने वाला हूं तो मेरे को थक कैसे लगेगा, मगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो मेरे को लगेगा मेरे को भी थक लगा। तो इसको कहते हैं अज्ञान। तो चार्ज वाले
चार जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसके पास में इस तरह की कोई सोच या इस तरह की कोई फीलिंग्स, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे अगर विज्ञान का उपयोग करोगे तो कोई गुंजाइश नहीं है, विज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो गुंजाइश है। हाँ, वो तो फील होता है। हाँ, नहीं करोगे तो फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार तो काम करेगा ना रिलेटिव सत्य में। हाँ, और वो सीधा हावी हो जाता है कि यहीं पर हो रहा है। अभी धीरे धीरे आपको ये विज्ञान जैसे जैसे समझ में आएगा, उपयोग में आएगा, अनुभव में आएगा, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये मैं कहाँ इन्वॉल्व हो गई प्रकृति में, बाहर निकल जाओ। जो कुछ भी होता है वो प्रकृति को होता है, मेरे को टेंशन करने की क्या जरूरत है? और प्रकृति को तो कुदरत चलाता है, मेरे को क्यों टेंशन होता है? मेरा कंट्रोलर कुदरत नहीं है, ना आत्मा का कंट्रोलर कुदरत है, न लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का कंट्रोलर कुदरत है, सिर्फ मन वचन काया जो मैकेनिकल है उसका ही कंट्रोलर कुदरत है। जी जी हाँ, क्लियर समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया स्वामी जी। हाँ, गुड गुड गुड, ओके ओके, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी अबे एक आपने दंडवत प्रणाम पूर्णिमा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमको हमको हिंदी बहुत नहीं आता है स्वामी जी, गुजराती बोलो, कहीं गुजराती बोलो बात नहीं। तो स्वामी जी चरण विद्या दो तीन वाक्य है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों थकी हूँ संपूर्ण शुद्ध छु, सर्वांग शुद्ध छु। बीजू अनंत ज्ञेयो ने जानवा मा परिणमेली अनंती अवस्थाओ मा हूँ संपूर्ण शुद्ध छु, सर्वांग शुद्ध छु। Okay. थर्ड के हूँ सर्व पर द्रव्यो थी सर्वथा उदासी न छु। तो आनो पर के आप थोड़ा ज्यादा समझाए ने ये पहलू वाक्य तमे बोलिया के हूँ ज्ञान दर्शन आदि ज्ञान दर्शन अनंत गुण थे कि हूँ संपूर्ण शुद्ध छु सर्वांग शुद्ध छु, ये आपने पहला सेंटेंस बोला। तो ज्ञान दर्शन क्या है? हमारा जो शुद्ध ज्ञान दर्शन है वो शुद्ध ज्ञान क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध दर्शन क्या है? ये दुनिया जो चलती है वो कुदरत चलाता है, कुदरती कानून से चलती है, और अवस्था भी कौन बनाता है? कुदरत बनाता है। तो ये हमारा ज्ञान दर्शन दोनों शुद्ध हो गया। अगर मैं चलाता हूं, मैं भुगतान करने वाला हूं, मैं सोचने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, तभी तो मेरा दर्शन मिथ्या हो गया। बरोबर। तो वो मिथ्या दर्शन को मिटाने के लिए मेरा ज्ञान दर्शन क्या है? तो कि मैं ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं, और दर्शन में मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं मन वचन काया जो है मेरा वो कुदरती रचना है। तो ये दर्शन भी शुद्ध हो गया, ज्ञान भी शुद्ध हो गया, और ये मेरा ज्ञान दर्शन वास्तव में शुद्ध ही है। मगर क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसके अंदर अज्ञान होने के नाते उनको जो मन वचन काया की अवस्था दिखती है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो पजल खड़ा हो जाता है। कैसे पजल खड़ा हो जाता है? जैसे अगर शरीर को क्रोध आता है तो उसको लगता है मेरे को क्रोध आ गया, फिर इसका टेंशन होता है कि अभी क्या होगा, ये तो मेरी गलती हो गई, अभी माफी मांगनी पड़ेगी। ये सब रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य नहीं है। गुस्सा हुआ वो ही कुदरती रचना है, आपको सेपरेट होना था, आप इन्वॉल्व हो गए, फिर पजल स्टार्ट हो गया। जैसे अगर हमारे घर के अंदर मिरर है 10x10 फीट का, और मिरर के सामने बहुत दूर पहाड़ खड़ा है, पहाड़ पर्वत रॉक, तो वो रॉक वो पहाड़ वो मिरर के अंदर दिखता है, मगर मिरर को पहाड़ का वेट नहीं लगता है। लगता है नहीं? क्योंकि दृश्य है। तो हम जब मन वचन काया की अवस्था को दृश्य के रूप में देखेंगे
तो कोई टेंशन नहीं, मगर हम मन वचन काया को दृश्य की अवस्था में के रूप में देखेंगे। मैंने विचार किया, वाणी मैंने बोला, मैंने वर्तन किया, सामने वाले ने बोला, सामने वाले ने किया, बस। तो वो आपका दर्शन अशुद्ध हो गया, फिर पजल शुरू हो गया। क्या हो गया? पजल। पजल, अभी मेरे को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भाई पर तुम क्यों इन्वॉल्व हो गए? तुम्हारा दर्शन तो है मन वचन काया और पूरी सृष्टि जो देखती है वो कुदरती रचना है, फिर तुम्हारे को प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? मगर आप इन्वॉल्व हो गए प्रकृति में, फिर पजल स्टार्ट हुआ। फिर कहा मेरी गलती हो गई, मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरी प्रकृति ऐसे नहीं होनी चाहिए। मगर क्यों इन्वॉल्व हो गए? तुम प्रकृति हो ही नहीं। तो ये इसीलिए कहा कि ज्ञान दर्शन तो मेरा शुद्ध है ही, मगर मेरी जो दृष्टि है वो दृष्टि के अंदर से जो मैं जब उपयोग करता हूं ज्ञान दर्शन का, तो वो ज्ञान दर्शन मेरे को मेरे डेवलपमेंट के आधार से दिखता है, और जैसा जैसा मेरे को डेवलपमेंट है उसी लेवल से मैं अवस्था को देखता हूं। और इसीलिए हमको क्या करना है? हमारा डेवलपमेंट बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? तो कि ज्ञान दर्शन का हर अवस्था में शुद्ध रूप में ही उपयोग करना है, रिलेटिव सत्य के रूप में उपयोग करना नहीं है। तो फिर अपने आप मुक्त रहोगे। रिलेटिव सत्य से ही तो दुनिया चलती है, सनातन सत्य से दुनिया समाप्त हो जाती है, और वही मेरा ज्ञान दर्शन है। मेरा ज्ञान दर्शन अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है और शाश्वत है। मगर क्योंकि मेरा जो उपयोग है वो उपयोग के समय मेरा जो ज्ञान दर्शन शुद्ध होना चाहिए वो नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि रिलेटिव सत्य की अवस्था में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से वो चकली होती है, वो चकली जब मिरर पर बैठती है तो सामने उसको दृश्य दिखता है दूसरे चकली को, तो वो चांच लगाती है, चांच बहुत लगाती है, कोई गुस्सा करती है कि मेरे जैसे क्यों है, मेरे जैसे क्यों है। मगर उसको मालूम नहीं, वो खुद को ही चांच लगा रही है, सामने तो कोई है ही नहीं, ये तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। ऐसे हमारे जीवन में ये जो मन वचन काया है और जो कुछ भी करता है उसका प्रतिबिंब है, ये तुम नहीं हो और नहीं तुम्हारा है। तुम तो प्रतिबिंब को गाली देते हो। तो ऐसे ये मन वचन काया से मुक्त रहना, ये हमारा पुरुषार्थ है। मन वचन काया को बदलना, मन वचन काया में इन्वॉल्व होना और मन वचन काया का मालिक बनना, ये हमारा दर्शन नहीं है। तो ये ज्ञान दर्शन हमको शुद्ध रखना है। वही तो इसीलिए कहा कि मन वचन काया के अनंत अग्नियों ने जानवा पड़े में अनंत अवस्थाओं में हूँ, संपूर्ण शुद्ध छू, सर्वांग शुद्ध छू। और आपका पहले सेंटेंस क्या था? ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों तक ही हूँ, संपूर्ण शुद्ध छु, सर्वांग शुद्ध छु, वो फर्स्ट सेंटेंस था। तो मेरा ज्ञान दर्शन तो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, मगर मेरा उपयोग अशुद्ध हो गया ने जी। तो करेक्शन कहाँ करना है? उपयोग में करना है, मगर कहाँ करते? क्रिया में करते, बस यही तकलीफ हो जाती है। यस स्वामी जी, आपको मन की क्रिया को, वाणी की क्रिया को और फिजिकल क्रिया को, आपकी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की क्रिया है, उसमें इन्वॉल्व होना नहीं है, सिर्फ सेपरेट रहना है, सिर्फ ओनली ओनली, तभी तो आपका दर्शन शुद्ध हो गया। अगर इन्वॉल्व हो गए अशुद्ध हो गया। आप समझे कि नहीं समझे? हाँ स्वामी जी, इन्वॉल्व नहीं होना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, इतना ही करना है। हमारा ज्ञान दर्शन तो अशुद्ध नहीं है। देखो मेरे मेरे मुख के ऊपर 1-2-3 जगह पे वो काजल का डॉट्स है, काजल
जो आंखों में लगाते वो काजल गाल पे लग गया है, मगर मेरे को नहीं मालूम कि गाल पे लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं देख सकता हूं। मगर जब मैंने मिरर के सामने देखा तो मिरर में मेरे को देखा कि यहां यहां ये ब्लैक स्पॉट्स है, तो मैं मिरर को साफ नहीं करता हूं क्योंकि वो तो दृश्य दिखाता है। यस और नो? यस। मगर दिखा मिरर में तो सफाई मिरर में करनी है ना। अभी बस ये गलती कर देते हैं हम। बड़ा स्वामी जी, यस। तो भाई प्रकृति का, प्रकृति की गलती है, प्रकृति को करेक्शन करने दो ना, तुम प्रकृति क्यों बन जाते हो? बरोबर। तुम्हारा काम तो तुम्हारे ज्ञान दर्शन में ये दृश्य दृश्य दिखा आपको, तो आपको देखना है कि ये दृश्य है, फिर बाद में दृश्य परिवर्तन हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तुम क्यों दृश्य में इन्वॉल्व होते हो? तुम तो शुद्ध हो, मगर जब इन्वॉल्व हो जाओगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। बरोबर स्वामी जी। तो इसीलिए सिर्फ सेपरेट रहना है, सिर्फ प्रकृति को जो करना है वो करें। दाग भी प्रकृति में है और सुधारना भी प्रकृति को ही है। हमेरे में न दाग है और ना ही कोई परिवर्तन करना है, हम अलग है। अच्छा, और दूसरा वाक्य क्या है स्वामी जी? लास्ट वर्स, हूँ सर्व पर द्रव्य थी सर्वथा उदासीन छु। सर्व पर द्रव्य थी सर्वथा उदासीन छु। हाँ, पर का मतलब होता है स्व नहीं है वो पर है, ठीक है? हाँ, स्व नहीं है वो पर है, वो पर है। तो पर का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ, मेरे सिवा जो कुछ भी दिखता है पांच इंद्रियों से अनुभव में आता है, इंक्लूडिंग माय माइंड स्पीच एंड एक्शन, ये सब कुछ पर है। तो पर द्रव्यों से मैं हर समय अलिप्त ही हूं, निर्लेप हूं, असंग हूं, वितराग हूं। मगर जब पर द्रव्य में मैं इन्वॉल्व हो गया तो फिर मैं वितराग नहीं रहा, असंग नहीं रहा, संगी हो गया। बस ये मेरी गलती हो गई। वो भी कैसे हो गया? वो भी कैसे हो गया? अज्ञानता से इन्वॉल्व हो गया। फिजिकली तो इन्वॉल्व होने है ही नहीं, क्योंकि आपका जो अंतस्करण है वो फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल है, मगर बिलीफ से इन्वॉल्व हो गए। जब प्रकृति बीमार हो गई तो आपको बिलीफ में क्या लगा? मैं बीमार हो गई। बस ये गलती हो गई भाई। भाई प्रकृति बीमार है तो प्रकृति को बीमार देखो, कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं प्रकृति हूं वो भी तो दृष्टि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes. अगर ये दृष्टि है तो फिर कोई पजल है ही नहीं, मेरा दर्शन तो शुद्ध है। प्रकृति बीमार है, प्रकृति उपाय करेंगी, उसका असर होगा नहीं होगा, मगर मेरा सब्जेक्ट तो है ही नहीं। So, जागृति रखने का वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कभी फ्रीक्वेंटली नहीं रहती स्वामी जी। हाँ, तो वो नहीं रहती है तभी तो मैंने प्रैक्टिस करना है ना। हाँ, अच्छा स्वामी जी। आप जैसे डॉक्टर बने, ठीक है, आपके जैसे बहुत सारे डॉक्टर अभी भी डिग्री लेके डॉक्टर बनते होंगे, आपके जैसे ही, मतलब सेम डिग्री की बात करता हूँ, मगर आपने इतने साल जो अनुभव प्राप्त किया वो अनुभव कहाँ से लाएगा वो डिग्री वाला? दे हैव टू पास द प्रोसेस, यस और नो? यस स्वामी जी। दैट्स इट। बिना डिग्री से नॉलेज मिल सकता है मगर डिग्री से एक्सपीरियंस नहीं मिलता, नहीं मिलता। Experience, अच्छा, then you apply your knowledge, then you got it the experience. Yes or no? Yes, स्वामी जी। तो आपके पास जो ज्ञान दर्शन है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, वो अगर अवस्था में उपयोग करेंगे तभी तो अनुभव होगा। आप कहोगे मेरे पास शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन है, मगर उपयोग नहीं करोगे तो फिर अनुभव कैसे होगा? डिग्री तो है आपके पास, एप्लीकेशन नहीं है। So, स्वामी जी, रोज हर रोज ये प्रैक्टिस में लाने के लिए थोड़ा प्रयोग आपका तो एकदम वो सिंपल प्रयोग यही है ना, हमको बार बार सुबह उठते ही और रात को सोते समय ये प्रकृति सुबह वार्निंग में वेकअप होती है, रात को सो जाती है, बीच में जो भी अवस्था बिगिनिंग से एंड तक जो आती है सभी अवस्था को हमको यही देखना है कि ये फाइल नंबर एक का रोल है, मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। सुबह से उठते रात सोते
सभी प्रकार की प्रक्रिया फाइल नंबर एक ने किया है, हमने नहीं किया है, करना भी वही है और नहीं करना भी वही है, और इसीलिए उसका लोड हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो करेंगे तो भी नहीं आना चाहिए, नहीं करेंगे तो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उनकी प्रक्रिया है और मैं उनसे मुक्त हूं। तो कोई भी सुबह उठेगा तो हमको देखना कौन फाइल नंबर एक, मैं कौन हूं, मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। फाइल नंबर लेट उठेगी तो अभी मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे को टेंशन नहीं लेना है, वो टेंशन लेंगे। जी स्वामी जी, फाइल नंबर एक गलती करती है, टेंशन हमको होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्हाई आर यू इन्वॉल्व, यू आर नॉट फाइल नंबर वन। यस स्वामी जी, यस यस यस। तो फाइल नंबर वन ने गुस्सा कर दिया, भाई गुस्सा कर दिया फाइल नंबर वन ने, तो हो सकता है उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, मगर गुस्सा किया फाइल नंबर ने, उसका टेंशन मेरे ज्ञान दर्शन के ऊपर क्यों होता है अगर मैं फाइल नंबर एक नहीं हूं तो। बरोबर स्वामी जी, समझ में आया? स्वामी जी, तो आपको खूब हार्टली स्वामी जी मेरा वंदन और हेल्पिंग फॉर क्लियरिंग। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और कौन बाकी है? बहुत सारे लोगों को ये सेपरेट नहीं रह सकते उन लोग, तो उनके लिए हम लोग एक स्टेपिंग कर सकते हैं ना स्वामी जी, की जो भी मिस आउट हो गया उसके बाद भी उनको पता चलता है तो तभी वो सेपरेट रख दे, ऐसे एक स्टेपिंग कर सकते है ना उसके लिए। स्टेपिंग कर सकते है, कहीं कहीं लोगों को मैं इन फ्यूचर वो आपको स्टेपिंग भी देने वाला हूँ, बच्चे की तरह आपको हर व्यक्ति को देने वाला हूँ, कि जब आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आपको वो चैंटिंग करने का, क्या चैंटिंग करने का, कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो हर रोज एक घंटा माला गिनो बस, और कोई माला, किसी का नाम नहीं, भगवान का नहीं, गुरु का नहीं, क्रिया का नहीं, कुछ नहीं, यही माला गिनो, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। फिर दूसरी माला गिनो, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, गुणों से मैं, गुणों और स्वभाव से मैं बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा भिन्न हूँ और भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मन वचन काया विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ, मन वचन काया विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। मन वचन काया को कुदरत बनाता है, कुदरत चलाता है और कुदरत इसका अंत लाता है, और मैं अपने स्वभाव से चलता हूं और मेरा बिगिनिंग और एंड नहीं है। ऐसी बार बार बोलते रहेंगे तो आपका विजन परफेक्ट होगा। बराबर है स्वामी जी, क्योंकि क्या है? बहुत टाइम, बहुत अवतारों का जो अभ्यास है ना, अभ्यास वो गाढ़ हो गया है। बराबर है, ज्ञान तो मिल गया मगर अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अभी आप देखो कि आपको 1000 साल का अभ्यास अज्ञान का है, अभी आप कहोगे कि मेरे को 5 साल में सभी अभ्यास को निकाल देना है, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू डू द चेंज, क्योंकि एक एक निकालोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट है। चेंटिंग का मतलब होता है जो आपने उल्टा चेंटिंग किया है, अज्ञान का चेंटिंग, ये विज्ञान का चेंटिंग करो, अज्ञान हो जाएगा। और चेंटिंग से आपको जब अज्ञान निकलेगा तो अवेयरनेस भी रहेगी आपकी, क्योंकि आपने चेंटिंग किया है। आपको समझ में आता है ना? हाँ, नहीं समझ में आ गया स्वामी जी। ओके, अच्छे से समझ में। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी लास्ट क्वेश्चन। भारती बेन डोंबीवाली, प्लीज तुम्हारो अनम्यूट करो। हेलो। हाँ करे स्वामी जी, करे छे बेन। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, મારે પૂછું તો અથમ કી ઈચ્છા હોય, અથમ કી ઈચ્છા ચાલતી હોય આપણી, અને ત્યારે આપણે સૂક્ષ્મ ભાવ થઈ જાય, આપણાની સૂક્ષ્મ ભાવ દેખાતો નથી, આપણે સૂક્ષ્મ ભાવને
समझो आपने देखी है अने इन्हें अपने डाइवर्जन करी ना कि इतना अपने बदला भी सकती है कि अपन मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि सूक्ष्म भाव भी हो गया वो मालूम कैसे होगा कैसे हुआ नहीं ये नची खबर पड़ती जो समझे ना अपने की भी तो खबर पड़े कि सूक्ष्म भाव तो फिर आपने कैसे मान लिया कि मेरे को सूक्ष्म भाव हो गया है खबर पड़ी जो कभी तो खबर पड़े अपना ने सूक्ष्म भाव अपने और इसीलिए मैंने कहा हमको तो सिर्फ मन वचन काया की अवस्था से मुक्त रहना है ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है बस तो फिर भाव होने की संभावना ही नहीं रहेगी समझो अपना आत्म की इच्छा हो अपना ने खबर न पड़े आ इच्छा जी के भाव एमा खबर न पड़े ना अपने एमा इन्वॉल्व थी गई તો એ ખબર ના પડે ને આપણને તો કા કા ભાવ છે તે ઈચ્છા થી ખબર ના પડી જાય અને આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ મેને 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 કહા હે ને કે જો 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 ભાવ યા તો ઈચ્છા ઇસ ભાવ કે સાથ જુડી હે વો સબ ભાવ યા તો ઈચ્છા વો ડિસ્ચાર્જ હે ડિસ્ચાર્જ બરાબર હા જો ભી હે ઇસ ભાવ કે સાથ જુડી હે વો સબ ભાવ કહો યા ઈચ્છા કહો સબ ડિસ્ચાર્જ હે આપ તો પછી કર્મ કેવી રીતના બને તો આપણને ખબર કેવી રીતના પડે આ કર્મ આપણું બંધાઈ ગયું આ ભાવ સાથે આપણું કર્મ બંધાઈ ગયું કરીને આપણે કો માલુમ કરના હી નહીં હમકો તો કહેના હે ડિસ્ચાર્જ હે ખતમ હો ગઈ વાત ઓર કુછ જાનના હી નહીં હમકો પણ જાણું હોય તો કેવી રીતના જાણા હમકો ઇસમેં ઇન્વોલ્વ હોને કી ક્યા જરૂરત હે પિછલે અવતાર માં કોણ સે કર્મ કિયે થે અભી કા માલુમ હે જન્મ લેને કે બાદ ભી હા તો હમણાં આપણને વિજ્ઞાન મળે છે તો આપણને ખબર પડે છે કે આ ડિસ્ચાર્જ આપણો કર્મ છે કરીને હા તો આપણે ખબર પડે છે આપણને આપણને હમણાં નું કર્મ ખબર પડતું નથી કે આપણે જે ભાવ કર્યો છે તે તો સમજે ભાવ ને આપણને સૂક્ષ્મ જોવો હોય તો કેવી રીતના જોઈ શકે भाव भाव देखने की जरूरत नहीं है वैसे भाव तो कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है केवल ज्ञानी के अलावा कोई नहीं देख सकता है मगर हमारे पास प्रकृति में इन्वॉल्व नहीं होना वो ही ज्ञान हमारे पास है और वो ही दर्शन है अगर वो ज्ञान दर्शन शुद्ध हो गया शुद्ध का मतलब होता है कोई भी चीज को शुद्ध तब कहते हैं जब सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगा तो वो शुद्ध हो गया जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ वो शुद्ध क्यों हो गया क्योंकि वो सनातन है सनातन जैसे मैं प्रकृति को कुदरती रत्न देखता हूँ तो क्यों शुद्ध हो गया क्योंकि सनातन सत्य है सनातन सत्य है बराबर मगर आप कहोगे मैंने किया उसने किया तो वो सनातन सत्य नहीं है नहीं मिथ्या दर्शन तो फिर आपको फिर उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी बराबर तो अगर हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध है फिर प्रकृति क्या करती है उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और यही जागृति हमको रखना है और कुछ करना नहीं है अभी प्रार्थना बुलाते हैं हे अंतर्यामी परमात्मा आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है हे शुद्ध आत्मा भगवान मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अज्ञानता के वश अजागृति के वश दृष्टि से जो कुछ भी दोष हो गए हैं और हो रहे हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें
हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।